किसी इंसान और जानवर को किसी दूसरे ग्रह पर जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, पानी, हवा, एटमॉस्फेयर और एक ऐसा तापमान जहां पर हम जिंदा रह सके। भले ही उस पर ऑक्सीजन हो या ना हो, लेकिन जिस ग्रह पर पानी ना हो वहां पर जीवन की उम्मीद करना बेमानी है। मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट पर ऑक्सीजन काफी कम है, लेकिन हम उसका जुगाड़ बिठा लेंगे, लेकिन पानी के बिना वहां पर भेजे जाने वाले मिशन सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक दिन रात मंगल ग्रह पर रोवर के जरिए पानी के स्रोत खोजते रहते हैं, जिससे मार्स के अंदर कोई तरल पानी का स्रोत मिल जाए और हम वहां पर आराम से मानव बस्तियां बसा सकें। जीवन की खोज की इसी कड़ी में वैज्ञानिकों को दूसरे तारामंडल में एक ग्रह मिला है जहां पर पानी से भाप के बादल बन रहे हैं और वहां बरस भी रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो दूर अंतरिक्ष में मौजूद लियो तारामंडल में साइंटिस्ट की दो टीम बहुत दिन से एक ग्रह के ऊपर रिसर्च कर रही थी, और वो भी हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए। उन्हें वहां से बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े मिले। उन्होंने रिसर्च में पाया कि उससे ग्रह पर तो भाप यानी वेपर के बादल है। हैरानी की बात ये है कि दोनों टीम अलग अलग काम कर रही थी और उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब दोनों टीम ने उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया तो सब चौंक गए, क्योंकि दोनों ही टीम एक ही कॉन्क्लूजन पर पहुंची थी। इससे ये साबित हो गया कि दोनों टीम ने डेटा को 100% एक्यूरेट एनालाइज किया है। उन्होंने बताया कि उस ग्रह में पानी विशाल मात्रा में है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 218 भी नाम की ग्रह की। 10 सितंबर को प्रोफेसर बेन की इंटरनेशनल टीम ने अपनी साइट ar1civ.org यानी archived.org पर इस ग्रह से रिलेटेड सारी स्टडी को कॉन्क्लूजन के साथ अपलोड किया। किसी भी डेटा को पब्लिक में भेजने से पहले उसे डॉट में अपलोड किया जाता है। उसके बाद ही उसे डेटा को एक्सपर्ट एलिस करते हैं और फिर कंफर्मेशन के बाद ही उसे पब्लिकली रिलीज किया जाता है। उसके बाद 11 सितंबर को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की दूसरी टीम ने अपने डेटा को जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश किया। दोनों ही टीम ने कहा कि उस ग्रह में बादल भाप बनकर बरस रही है। 2015 में नासा की केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह को खोजा था जो कि पृथ्वी से दोगुना बड़ा था और 8 गुना भारी था। ये ग्रह अपनी तारीख के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा था, जिसे के 218 भी नाम दिया गया। ये ग्रह अपने तारे के 218 का चक्कर लगा रहा है जो कि ड्वार्फ स्टार है। रिसर्च में पता चला कि वहां की जमीन पथरीली है और वहां पानी के बड़े और गहरे जल स्रोत हैं। इस ग्रह का वजन पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है, इसलिए उम्मीद है कि इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी की तुलना में ज्यादा है। साथ ही इस ग्रह पर तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रिसर्च में कहा गया कि इस ग्रह पर न सिर्फ जीवन संभव है बल्कि इस पर कुछ जीवित जीव भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एस्ट्रोनॉमर एंजेलो सी आर एस बताते हैं कि ये पहला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन के लिए उचित तापमान है और पानी तो पहले से ही उपलब्ध है। इस ग्रह पर जीवन जीने के लिए सबसे बेहतर विकल्प मौजूद हैं और जहां आज से ही घर बनाकर रखा जा सकता है। ये ग्रह 33 दिन में अपने तारीख का एक चक्कर पूरा करता है। इसकी डिस्कवरी के बाद प्रोफेसर ने नासा से रिक्वेस्ट की कि वो इस प्लैनेट को हबल स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करें। बने की टीम को उस पर पानी कब का मिल चुका था, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि उसमें वो पानी भाप बनकर बादल बनता है या नहीं। 2 साल 3 महीने तक डेटा को एनालाइज करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि वहाँ बादल भी बन रहे हैं और बरस भी रहे हैं। उसी समय लंदन की एक टीम भी उसी प्लैनेट पर रिसर्च कर रही थी, पर अब प्रोफेसर बन्नेकी की टीम ने लंदन की टीम से ज्यादा डेटा कलेक्ट किया था। यही नहीं, प्रोफेसर बन्नेकी ने कहा कि जो डेटा है उन्होंने कलेक्ट किया और कोई भी उसे इस्तेमाल कर उसे एक्सप्लेन इट के बारे में जान सकता है, लेकिन उस डेटा को सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिन्हें इस डेटा को एनालाइज करना आता हो। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।